हमारे सभी जिलों से जो पत्रकार साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, सभी जिलों में वो अपने एनआईसी केंद्र में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उन सबको संबोधित करेंगे, उसके पहले आवश्यक है कि कोरोना नियंत्रण के लिए जो सरकारी प्रयास चल रहे हैं और जो आम जनता के सहयोग से जो काम चल रहे हैं उनका एक प्रेजेंटेशन आपके सामने किया जाए, ताकि वो तथ्य और सारी वस्तु स्थिति सामने हो, ताकि उसके बाद अच्छी तरह से विचार विमर्श हो सके, आपके सुझाव प्राप्त किए जा सकें। मैं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुलेमान साहब से निवेदन करूंगा कि वो प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें प्रेजेंटेशन। सभी को मेरा बहुत नमस्कार। हम लोग एक प्रेजेंटेशन लगा रहे हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा। मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरी आवाज पहुंच रही होगी। अगर पहुंच रही होगी तो सतना से जरा हाथ उठा देंगे प्लीज। ओके राइट। सो मध्य प्रदेश की कोविड की स्थिति और सरकारी प्रयासों की जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं, इसके पीछे कोविड की जो बढ़ता प्रकोप है वो आपके संज्ञान में लाना और आपके माध्यम से जनता के संज्ञान में लाने का हमारा उद्देश्य है, जिससे सबको जोड़ के हम इस स्थिति को इसका सक्षमता से मुकाबला कर सकें। सरकार ने बहुत ज्यादा प्रयास अभी तक इसमें किए हुए हैं, वो भी हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि क्या काम हम कर रहे हैं और कहां हमें जनता के सहयोग की अपेक्षा है और किस तरह से आप और हम सब साथ मिलकर इसमें काम कर सकते हैं। ये आपके पर अभी कोविड का एक समग्र पिक्चर आपके सामने दिख रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आज की तारीख में आज दिन दुनिया में जितने कोविड केस निकले उसका लगभग 20% कोविड के केस भारत में निकले हैं। 4,96,000 पूरी दुनिया में एक दिन में कोविड में केस आए हैं, उनका 97,000 केस केवल हमारे देश में है, अर्थात पूरी दुनिया का 20% केसेस का लोड हमारे देश में है। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। जब ये 97,000 केस भारतवर्ष में निकले हैं तो उसमें मध्य प्रदेश में 3,722 केस निकले हुए हैं, अर्थात मध्य भारत के केसेस का करीबन 3.7% लोड जो है वो मध्य प्रदेश से केसेस का आ रहा है। और इन केसेस की बढ़ती संख्या के कारण जो एक्टिव केस होते हैं, अर्थात जिनको अभी देखभाल करने की जरूरत है, उन केसेस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 24,155 ऐसे कोविड के एक्टिव पेशेंट हैं जिनको किसी ना किसी तरह की देखभाल की आवश्यकता है। और ये आंकड़ा भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अब तक 4,073 लोगों की कोविड से मृत्यु भी हो चुकी है। कुछ केसेस में आपको विदित है कि कोविड बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल का कंपैरिजन अन्य राज्यों का आपके सामने रखा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो कल जो केसेस आए थे उसमें महाराष्ट्र में 47,000 केस थे, एक दिन में महाराष्ट्र में 47,288 कोविड के केस आए थे। महाराष्ट्र से आप सब जानते हैं कि हमारे 6-7 जिलों की सीमा लगी हुई है, उन जिलों में महाराष्ट्र से होने वाले समयवार के कारण कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में कोविड की गति बढ़ने से हमारी चिंता भी साथ साथ बढ़ती है। हमारे दूसरा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, हमसे छोटा है, लेकिन कल वहां 7,302 कोविड के केस एक दिन में आए हैं। पहले मध्य प्रदेश का ईस्टर्न मध्य प्रदेश जो होता था उसमें कोविड का प्रभाव नहीं होता था, लेकिन चूंकि उसकी छत्तीसगढ़ से सीमा मिलती है तो वो भी हमारे लिए एक जिसको कहना चाहिए ध्यान देने का वजह बन गई है कि छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा प्रकोप है तो उसका कितना इम्पैक्ट हमारे यहाँ आएगा। उसके अलावा कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से भी हमारी सीमा मिलती है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। तो सभी तरफ मध्य प्रदेश के सभी तरफ कोविड का अच्छा खासा प्रकोप है, जिससे इस बात की संभावना बनती है कि हमारे यहाँ भी कोविड की स्थिति अभी और ज्यादा आगे बढ़ सकती है और हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हमने कुछ ग्राफ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है। कोविड में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि पॉजिटिविटी रेट क्या है, अर्थात हम यदि 100 लोगों के सैंपल टेस्ट करें तो
तो उसमें से कितने सैंपल हमारे पॉजिटिव निकल रहे हैं। एक समय था फरवरी माह की शुरुआत में जब मध्य प्रदेश में कोविड की पॉजिटिव रेट केवल 1.1 थी, अर्थात 100 सैंपल टेस्ट करते थे तो 1.1 सैंपल उसमें औसतन पॉजिटिव निकलते थे। अभी वो दर बढ़कर 10.6 है, अर्थात वो 10 गुना बढ़ गई है। अभी हम 100 सैंपल टेस्ट करते हैं तो 10.6 औसतन उसमें से पॉजिटिव निकलते हैं। मैं आप सभी के संज्ञान में ये भी लाना चाहूंगा कि इसका भी जिलों में, हर जिले में अलग अलग स्थिति है और कुछ जिलों के हम आंकड़े भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें ये पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। WHO का मापदंड कहता है कि 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी चिंता का कारण हो सकती है, उससे लगता है कि एपिडेमिक बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, तो इस बात पे भी हमको लगातार ध्यान देने की जरूरत है। अगला स्लाइड, ये हमने एक चार्ट आपके सामने आपको हमने दिखाया है, जरा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें एक डेट लिखी है 19 सितंबर, वो पिछली बार हमारा कोविड के सबसे ज्यादा प्रकरणों का दिन था। मध्य प्रदेश में 2607 प्रकरण 19 सितंबर को आए थे और उसको हम पहली पीक की संख्या देते थे कि हमारी कोविड के केसेस की प्रथम पीक जो है वो 19 सितंबर को आ गई है। धीरे धीरे वो संख्या घटी और 10 फरवरी पहुंचते पहुंचते वो संख्या लगभग 150 केसेस तक सीमित हो गई, तो सबको ऐसा लग रहा था कि कोविड का प्रभाव अब खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे 10 फरवरी के बाद ये संख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और अभी जो हमारी सेकेंड पीक है ऑलरेडी 3722 केस पे पहुंच चुकी है। मतलब पिछली पीक से ये पीक अभी 25% आगे बढ़ चुकी है और ये जरूरी नहीं है कि ये पीक हो, ये प्रकरणों की संख्या आगे बढ़ने की भी संभावना है, जो हमें इस बात के लिए सचेत करता है कि कोविड की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और हमें अभी अपने प्रयास आगे भी जारी रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड, कुछ आंकड़े हमने दोबारा एक और तरीके से देखे हैं। इसमें हमको ये पता चलता है कि साप्ताहिक हमारे केसेस का ट्रेंड क्या है। जो सप्ताह हमारा 23 फरवरी को खत्म हुआ उसमें केवल 1827 पॉजिटिव केस आए थे, उससे पहले सप्ताह में ये संख्या करीबन 1400 के आसपास थी और अभी जो 6 अप्रैल को सप्ताह अगर हम मान के चले और खत्म हो रहा है तो हमारे केसेस की संख्या 20792 है। मतलब जो फरवरी के तीसरे सप्ताह में केस थे अभी एक सप्ताह में उससे लगभग 12 गुना 11 गुना केस अभी आ रहे हैं। इस बात को दिखाता है कि केसेस की संख्या हमारी किस तरीके से बढ़ रही है और आप ग्राफ देखेंगे तो पॉजिटिव केस जो हमारे 2151 थे वो बढ़कर अब 24155 तक, बहुत कम समय में वो केसेस 24155 तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आपको ये जिलों के आंकड़े हैं लेकिन मैं इन दो स्लाइड को स्किप करूंगा, उन जिलों की बात करूंगा जिनमें मूलतः हमको समस्या ज्यादा है, वो ये आपके सामने है। अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो पिछले 7 दिनों का हमने एवरेज इसमें आपके सामने रखने की कोशिश करी है और इसमें दो बातें हम बता रहे हैं कि राज्य का जो कुल भार है उसका कितना परसेंट किस जिले से आता है और वहां पॉजिटिविटी की दर क्या चल रही है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा केस लोड इंदौर जिले में है, 24% मध्य प्रदेश आ रहा है, उसका 24% खाली इंदौर से आ रहा है और उसके बावजूद वहां पॉजिटिविटी दर 15% बनी हुई है। मैंने आपको बताया कि राज्य का औसत 10.6 है लेकिन इंदौर में अभी भी ये पॉजिटिविटी 15% बढ़ी हुई है और एवरेज पर डे 700 से ज्यादा केस इंदौर में रिपोर्ट हो रहे हैं। भोपाल दूसरा चुनौती का जिला है, भोपाल में जो पॉजिटिविटी की दर है वो लगभग 20% पे चल रही है, एबनॉर्मली हाई पॉजिटिविटी है और प्रतिदिन 526 केस औसतन वहां आ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश का 17% केस लोड भोपाल से आता है। तो आप देखेंगे तो भोपाल की पॉजिटिविटी दर बहुत ज्यादा है, हालांकि हमने वहां टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है और ये इस बात का प्रमाण है कि भोपाल में अभी वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, उससे बचाव रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरी बात, अगला तीसरा जिला देखेंगे तो जबलपुर है, लगभग 7% केस जबलपुर से रिपोर्ट होते हैं, जबलपुर की पॉजिटिविटी भी 12% है, आखिर काफी बड़ी संख्या में जबलपुर में पॉजिटिविटी है। बाकी जिले आपके सामने हैं, ग्वालियर उज्जैन में 9% की पॉजिटिविटी है, रतलाम में 14% की पॉजिटिविटी है
और छोटा जिला होने के बावजूद रतलाम में 80 केस पर डे का एवरेज चला रहा है। खरगोन में 15% की पॉजिटिविटी है और अगेन छोटा शहर होने के बावजूद 78 केस पर डे का एवरेज चल रहा है। बैतूल में 13%, बड़वानी में 15%, छिंदवाड़ा में 7% और कटनी में अभी कुछ दिनों से पॉजिटिविटी बहुत तेजी से बढ़ी है। 19% की पॉजिटिविटी कटनी में आ रही है और लगभग 49 केस का एवरेज चल रहा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी पिछले कुछ दिनों में देवास में दिख रही है, 28% की पॉजिटिविटी दिखने लगी है, इसलिए हमने वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला भी किया है और हम उनके केसेस की संख्या को भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो लगभग 44 केस का एवरेज देवास में आ रहा है। हाई पॉजिटिविटी इस बात का इंडिकेशन है कि वहां काफी वायरल लोड है। हमको अपने टेस्ट की संख्या भी उन जिलों में बढ़ानी है और साथ में इस बात की व्यवस्था भी करनी है कि लोग इन्फेक्शन से बचाव के उपाय कर सकें। इस स्लाइड में हमने आप से अर्थात अपने घर पर रहकर ही उनका इलाज हो सकता है। सो 24,155 जो हमारे सक्रिय प्रकरण हैं, उसमें 61% केस ऐसे हैं जिनको हम होम आइसोलेशन के थ्रू मैनेज कर पा रहे हैं, अर्थात उनको अस्पताल में बिस्तर की जरूरत नहीं है, और 39% केस ऐसे हैं जिनको अस्पतालों में बिस्तर की आवश्यकता पड़ रही है। जो लोग अस्पतालों में बिस्तर पे आ रहे हैं, उस 39% में से 11% हिस्सा ऐसा है जो केवल उनके घरों में आइसोलेशन की जगह ना होने के कारण अस्पताल के आइसोलेशन का बेड यूज कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन 28% केसेस ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती थी, वो लगभग 25% होते थे, अभी वो लगभग 28% हैं। अर्थात ये बात नहीं कही जा सकती कि वायरस से अब संक्रमित होने वाले लोगों को कम संक्रमण ही होगा। वैसे भी इन दोनों आंकड़ों में इन बात को कोई प्रमुख कोई भी किसी तरह से स्थापित नहीं किया जा सकता, किस वायरस का इम्पैक्ट किस आदमी पे कैसा होगा ये उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। वायरस तो अभी भी वही है जो पहले था और उसके वेरिएशंस लगातार होते जाते हैं। अगला नेक्स्ट स्लाइड। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने ये व्यवस्था करी है कि जिन लोगों को भी बिस्तर की आवश्यकता हो अस्पताल में जाने के, हम उनके लिए समुचित व्यवस्था कर सकें। हमारी जो खुद की संस्थाएं हैं जिसमें जिला चिकित्सालय और अकाउंट पे लिए हुए हैं, उसमें हमारे पास लगभग अभी 13,000 बिस्तर की उपलब्धता है, अर्थात हम 13,000 मरीजों को उन बिस्तरों पर ले सकते हैं। उस 13,000 बिस्तर का हम लगभग अभी 40% उपयोग कर रहे हैं, अर्थात आप देखेंगे हमारे पास सफिशियंट बेड कैपेसिटी है जिसमें हम मरीजों को ले सकते हैं। कुछ जिलों में इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, कुछ जिलों में ये संख्या जो 40% है वो 70 तक भी पहुंच गई है और कुछ में 15% है, वेरिएशन है, लेकिन ये लगातार सरकार के ध्यान में है कि जहां भी बिस्तरों की आवश्यकता हो और गरीब लोगों के लिए बिस्तर उपलब्ध कराने हो या कोई भी आदमी जो सरकारी सुविधा लेना चाहे, हम उसके लिए बिस्तर उपलब्ध कराने में सक्षम है। और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम इस बात की दिन प्रतिदिन समीक्षा करते हैं, जहां भी जरूरत होती है हम बिस्तर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप समझेंगे कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में प्राइवेट सेक्टर का हमेशा से बहुत योगदान रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमेशा मिलता आया है। प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स ने भी पूरी अपनी संस्थाओं को इस बात के लिए तैयार करके 12,068 बेड उपलब्ध कराए हैं और उनका लगभग 50% अभी उपयोग हो रहा है। कुछ अस्पतालों में सभी 100% बेड भर जाते हैं, लेकिन कुछ में अभी खाली भी होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर से भी लगातार हमारा संवाद इस बात के लिए चल रहा है कि हम उनके बेड की संख्या को किस तरह से बढ़ा सकें। मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेड की व्यवस्था को हम चुनौती नहीं बनने देंगे और हर उस मरीज को जिसको बेड की आवश्यकता है हम बेड उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आपको पता है अब कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, 1 अप्रैल से हम 45 साल से ज्यादा के हर व्यक्ति को कोविड का टीका लगा रहे हैं। जो भी कोविड का टीका लगाना चाहे, हम 1 अप्रैल से उसको 45 साल से ज्यादा आयु होने पर कोविड का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 45 लाख टीके कोविड के लगाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसका
1 अप्रैल को हमने 3,80,000 लोगों को टीका लगाया था। अब हम ये टारगेट करते हैं कि जिस दिन भी हमारा वैक्सीनेशन डे हो उस दिन करीबन 3,00,000 लोगों को हम कोविड का वैक्सीनेशन करा सकें। अभी आपको जैसा मैंने कहा, नेक्स्ट स्लाइड, कोविड का वैक्सीनेशन केवल 2 तरह के लोगों के लिए उपलब्ध था। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमने 60 साल से अधिक के आयु के लोगों को दी थी और दूसरी प्रायोरिटी में हम 45 साल वालों को सम्मिलित किए हैं। जो 60 साल के अधिक आयु वर्ग के लोग थे उसमें अभी केवल 29% लोगों को टीका लगा है। आपके माध्यम से मैं ये संदेश भी उनको देना चाहूंगा कि 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो कोविड का वैक्सीनेशन करा लें, उनको इस अवसर का लाभ लेके ये टीका लगाना चाहिए। जो 45 साल से अधिक का आयु वर्ग है उसमें अभी केवल 9% लोगों को टीका लग पाया है और जितनी वैक्सीन की उपलब्धता हो रही है उसके हिसाब से हम इस टीकाकरण को लगातार गति देने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड की स्थिति पर रोक लगाने के लिए गृह विभाग ने समय समय पर निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश प्राप्त कर जारी किए हैं, जिसमें उन चीजों को रोकने की कोशिश की है जिससे कोविड का प्रभाव तेजी से फैलता हो। उसमें रात्रिकालीन कर्फ्यू और रविवार के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। बहुत सारे जिले हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर, बड़वानी, बैतूल, रतलाम, खरगोन, छिंदवाड़ा, यहाँ हम संडे के लॉकडाउन के फैसले डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू लिए गए हैं। किसी प्रकार के जुलूस, मेले आदि की अनुमति नहीं दी गई है। जहाँ केस लोड ज्यादा है वहाँ जो बंद हॉल में कार्यक्रम होते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि उसमें 50% से ज्यादा लोग ना हो हॉल की कैपेसिटी का, और हॉल में किसी भी हालत में 100 से ज्यादा लोग ना होने पाए। शादी और में होने वाली भीड़ पर भी रोक लगाई गई है, 50 लोगों की सीमा तय की गई है। जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल इत्यादि का संचालन भी हमने बंद किया हुआ है और धार्मिक स्थलों पर भी हमारा यह प्रयास रहता है कि ज्यादा भीड़ एकत्र ना होने पाए। नेक्स्ट, सभी जगह हम 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर कलेक्टर से अनुमति का प्रावधान गृह विभाग ने किया है। जो रेस्टोरेंट चलते थे ऐसे जिले जहां केस लोड ज्यादा है वहां रेस्टोरेंट में इन सिटू डाइनिंग बंद करी हुई है, उनसे केवल आप टेक होम डिलीवरी ले जा सकते हैं या होम डिलीवरी अस्पताल वाला रेस्टोरेंट वाला आदमी खुद करा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में प्रकोप बहुत ज्यादा है तो महाराष्ट्र से आने वाली बसों का संचालन बंद किया हुआ है तथा महाराष्ट्र की सीमा से जो लोग आते हैं उनका हम थर्मल स्क्रीनिंग इत्यादि की व्यवस्था भी हमने करी है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय पूरे प्रदेश में 15 अप्रैल तक बंद किए गए हैं और स्कूल और कॉलेज भी बड़े शहरों में जहां कोविड का प्रकोप ज्यादा है उनको बंद किया हुआ है। हमारी स्ट्रेटजी हमेशा से IITT की स्ट्रेटजी रही है, आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट एंड ट्रीट। इसमें हम सबसे जरूरी यह है कि समय रहते हम व्यक्ति की पहचान कर सकें। हमने अब 720 फीवर क्लिनिक पूरे प्रदेश में स्थापित किए हैं जहां कोई भी आदमी निशुल्क अपना टेस्ट करा सकता है। पूरे शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह पूरे प्रदेश में कुल 720 फीवर क्लिनिक हमने स्थापित किए हैं। साथ में हमने जो हमारे केसेस होम आइसोलेशन में होते हैं उनके लिए हमने जिला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 2 बार वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। साथ में ये व्यवस्था भी की है कि हम अचानक निरीक्षण कर सकें कि वो होम आइसोलेशन का पालन कर रहे हैं कि नहीं। जहां होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है वहां हमने CCC चालू कराए हैं, कोविड केयर सेंटर, जिसमें उन लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है और वहां उनकी देखभाल की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आज मैं कोरोना वॉलंटियर नाम का अभियान प्रारंभ किया है जिसके बारे में वो आपकी जानकारी में देंगे। मैं टेस्टिंग का बता रहा था कि 720 हमारे खुद के फीवर क्लिनिक हैं, लेकिन बहुत सारे शहरों में आजकल प्राइवेट लैब भी टेस्टिंग करती हैं। ये शिकायतें प्राप्त होती रहती थी कि वो ज्यादा धनराशि चार्ज करती हैं। राज्य शासन ने निर्णय लिया है और उनके जो चार्ज की सीमा है वो ₹700 RT-PCR के लिए और ₹300 RAT के लिए निर्धारित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त वो ₹200 अगर वो घर से जाके सैंपल ले रहे हैं तो ₹200 कलेक्शन चार्ज ले सकते हैं, इसके बियॉन्ड वो चार्ज नहीं कर पाएंगे। हम खुद अपनी जांच जो निशुल्क है उसको 40,000 तक लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। कोविड की बीमारी में आपको पता है कि चेस्ट CT एक बहुत जरूरी चीज होती है,
बहुत सारे पेशेंट का चेस्ट का सीटी करना पड़ता है, उसकी भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उसमें बहुत ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। वो भी तय कर 3,000 रुपए की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है कि 3,000 रुपए से अधिकतम कोई व्यक्ति चार्ज नहीं करेगा। नेक्स्ट, हमने भारत सरकार के प्रयास से हम और वेंटिलेटर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे आईसीयू बेड की संख्या बढ़ सके। हमने सभी चिकित्सालयों में जहां अमले की अगर कमी हो स्वास्थ्य विभाग के, तो ये व्यवस्था करी है कि हम एनएचएम के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पे वहां स्टाफ रख सकते हैं 2 महीना के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो उसकी अवधि हम और बढ़ाएंगे। लगातार हम इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे चिकित्सालयों में दवाओं की दिक्कत ना हो। ऑक्सीजन की व्यवस्था पे हमने एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया है जो लगातार हर दिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की समीक्षा कर रहा है। हमने कलेक्टरों को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि वो निजी अस्पताल जो शुल्क ले रहे हैं उसका प्रॉपर डिस्प्ले करें, अपने यहाँ एक डिस्प्ले बोर्ड पे बताएं कि वो क्या शुल्क चार्ज करेंगे, और उस शुल्क की सीमा का भी निर्धारण हमने किया हुआ है कि बहुत ज्यादा शुल्क वो ना ले पाए। साथ ही जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है गरीब मरीजों की, उनको हम आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि उनको किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। नेक्स्ट, कुल मिला के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि ये हमारे विभाग की तैयारी थी, अब आगे आप सर संबोधित करना चाहेंगे। आज सभी जिलों में वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए मेरे प्रिय पत्रकार मित्रों, कोविड के बारे में, कोरोना संक्रमण बीमारी के बारे में जो सरकार ने तैयारी की है उसका एक प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत किया है। मेरी अंतरात्मा से इच्छा थी कि जिलों में हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे। प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपने महसूस किया होगा कि कोरोना संक्रमण का यह संकट धीरे धीरे विकट होता जा रहा है। महाराष्ट्र से लगे हुए जिले अति प्रभावित हैं, हमसे छोटा प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां हमसे 2.5 गुना ज्यादा प्रकरण रोज आ रहे हैं। यूपी में भी संक्रमण फैला हुआ है, और इसके कारण मध्य प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ रही है, इसलिए चिंता स्वाभाविक है। अब कोरोना के संक्रमण से लड़ना है तो मेरी मान्यता है कि अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज का सहयोग चाहिए। मैं पहला निवेदन करना चाहता हूं जिलों में बैठे हुए अपने पत्रकार मित्रों से, मेरे प्रिय मित्रों आपका साथ चाहिए, जनता को जगाने में आपका साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि मीडिया इस काम को नहीं कर रहा, एक चैनल रोको टोको अभियान चला रहा है, कुछ चैनल और अखबार लगातार मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं, एक चैनल अपने बुलेटिन की शुरुआत और समापन कोविड की गाइडलाइन के पालन करने से करता है। अब मंदसौर में तो श्रमजीवी पत्रकार मित्रों ने भी मास्क बांटने का काम किया है, अलग अलग स्तर पर हमारे पत्रकार मित्र भी इस काम में लगे हैं। और कोई बीमारी अगर होती तो अस्पताल ले जाते, इलाज हो जाता, ठीक होकर घर भेज देते, लेकिन यह बीमारी तो एक से दूसरे में फैलती है, और इसलिए केवल इलाज इसका समाधान नहीं है। मैं पहली चीज आपको आश्वस्त करता हूं, आज कई वर्गों से मैंने संवाद किया, रात तक संवाद का सिलसिला जारी रहेगा, तो जो समस्याएं आ रही अलग अलग उनको ध्यान में रखते हुए कल उठते समय मैं कुछ और कदमों की का फैसला करूंगा। लेकिन पहली जरूरत है जनता को जागरूक करना, क्योंकि कोरोना की पहली पीक आई तब घबराहट थी थोड़ी,
लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से संघर्ष हमारा चला, फिर वैक्सीनेशन भी बन गई, केस घटते चले गए, हम निश्चिंत होते चले गए। उत्सव, मेला, ठेला, शादी विवाह, पार्टी सब शुरू हो गई और उसका परिणाम यह हुआ कि कोरोना ने एक बार फिर से गति पकड़ ली। अब इसको रोकना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना पड़ेगी। एक रास्ता है लॉकडाउन, लेकिन आप जानते हैं लंबे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और गरीब पस्त हो जाता है, इसलिए लॉकडाउन केवल सीमित संडे हो सकता है, एक आध दिन और जहां ज्यादा हो कर सकते हैं, लेकिन लोगों का काम धंधा भी चलना चाहिए। दूसरा तरीका है कि हम मास्क लगाएं, मास्क ही सुरक्षा है और इसलिए एक व्यापक जन अभियान की जरूरत थी, क्योंकि कई जिलों में आप भी देखते मेरे मित्रों कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत थोड़ी संख्या में लगा रहे हैं। तो ये अवेयर करना जरूरी है कि मास्क नहीं तो फिर कभी भी संक्रमण आपको जकड़ लेगा, इसलिए एक मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो। मैंने जो आज का कार्यक्रम किया स्वास्थ्य आग्रह, आज दांडी यात्रा भी समाप्त हुई थी बापूजी के नेतृत्व में, नमक सत्याग्रह उन्होंने किया था, सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने देश को आजादी दिलाई। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ आग्रह किया स्वच्छता के लिए, वो भी सफल हुआ। मुझे लगता था कि जनता को अगर जागरूक करना है तो जनता को स्थिति भी बतानी पड़ेगी और उसके साथ साथ नैतिक आग्रह भी करना पड़ेगा कि आप मास्क धारण करें। इसलिए यह स्वास्थ्य आग्रह इसलिए कि लोग मास्क लगाएं, स्वास्थ्य आग्रह इसलिए कि सुरक्षित दूरी बनाएं, स्वास्थ्य आग्रह इसलिए कि बार बार हाथ साफ करें, स्वास्थ्य आग्रह इसलिए कि अनावश्यक भीड़ वाले कार्यक्रमों में ना जाएं, स्वास्थ्य आग्रह इसलिए कि वैक्सीनेशन तेजी से करवाएं। लेकिन और जनता को हम सोचने पर विवश करें इन तीनों चारों कामों के लिए, और इसलिए आज ये स्वास्थ्य आग्रह का कार्यक्रम केवल बैठने का कार्यक्रम नहीं है। मैं जब से यहां बैठा हूं, हमने कैबिनेट की मीटिंग की, हमने अलग अलग जिलों में अब तक हम लगभग 25 जिलों में सीधा संवाद अलग अलग समाज के वर्ग और संस्थाओं से कर चुके हैं, जिसमें कई उपयोगी सुझाव अभी मेरे पास आए हैं। ये क्रम रात तक जारी रहेगा, आपसे भी आपके सामने भी जानकारी रखना इसका एक प्रमुख अंग था। एक अभियान और हम चला रहे हैं, उसका नाम हमने दिया है मैं कोरोना स्वयं सेवक, मैं कोरोना वॉलंटियर, और उसमें हमने तय किया है कि वन एट वन या माई गव पोर्टल पर हम अपने आप को रजिस्टर करवाएं। कई लोग करवाना शुरू कर दिया है, एक आध दिन में इसकी गति और बढ़ेगी जैसे जैसे जानकारी होगी। अभी मेरी जानकारी में 10,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और इनको हम काम देंगे। एक काम रहेगा मास्क वितरण का, रोको टोको अभियान, अगर मास्क नहीं लगाया तो जागरूक करने का अभियान, मास्क वितरण करने का अभियान, एक वैक्सीनेशन के लिए लोगों को लाने की व्यवस्था करना, वैक्सीनेशन स्थल पर कुछ आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग करना, एक हम हेल्प डेस्क बनाएंगे और इन वॉलंटियर्स को जवाबदारी देंगे कि ये अगर जरूरत पड़े तो पीड़ित की संक्रमित की मदद कर सके कि फलाने अस्पताल में जाइए, फलानी जगह है, फलाना इलाज है, तो वो एक सहायता का काम करेगा। एक होम क्वारंटाइन में मदद करने का भी अपने मोहल्ले में ये वॉलंटियर काम कर सकेंगे, क्योंकि समाज के सहयोग से हम लड़ सकते हैं। मैंने आज सुबह बताया था मास्क का मतलब, मां मतलब मेरा, ए मतलब आपका, एस मतलब सुरक्षा, के मतलब कवच, मेरा और आपका सुरक्षा कवच। इसका जितना ज्यादा प्रचार हम करेंगे उतनी अवेयर जनता होगी और मास्क लगाने से बड़ी सीमा तक इस संक्रमण को रोका जा सकेगा। मेरे मित्रों, इसके साथ साथ इलाज के लिए जितनी व्यवस्थाएं बनाना है उन सब व्यवस्थाओं को बनाने में हम कसर नहीं छोड़ेंगे। अस्पताल में बिस्तर की संख्या लगातार हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी
विस्तार बढ़ते रहेंगे। हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी टाई अप कर रहे हैं, विशेषकर जहां ज्यादा वायरल लोड है, इंदौर भोपाल जैसी जगह जहां प्राइवेट अस्पतालों की संख्या भी है, ग्वालियर जबलपुर में भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनको जोड़ के गरीबों को प्राइवेट अस्पताल में भी हम निःशुल्क इलाज करा पाए। एक प्राइवेट अस्पताल में शुल्क का मामला आया है, कई जगह से खबर आई है, आज ही मुझे लोगों ने बताया है कि अनाप शनाप वसूली होती है, तो उनकी दरें भी हम तय करेंगे। आपने देखा अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट था उसके ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे, उसके अधिकतम रेट 700 रुपया कर दिए, कैपिंग कर दी। दूसरा जो टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट, उसके 300 रुपया तय कर दिए। सिटी स्कैन कराने की जरूरत होती है, उसमें भी पता चला था कि काफी पैसा लग रहा है, इसलिए उसके अधिकतम रेट 3000 किए हैं। ये कुछ उपाय हमने अभी किए हैं, कल आप सबसे चर्चा के बाद कुछ और उपाय हम करेंगे, लेकिन संकल्प है जनता को बेहतर राहत देने का। लेकिन इतना मेरा निवेदन है कि अस्पताल में बिस्तरों की सीमा है, और दूसरी बीमारियों का भी ध्यान रखना है। आगे दूसरी बीमारियों के मरीज कहां जाएंगे कल, तो पहली चीज हमको करना पड़ेगा, संक्रमण रोकना पड़ेगा। इसके लिए व्यापक जन जागरण अभियान है ये स्वास्थ्य आग्रह, इसमें मेरे जिलों में बैठे हुए पत्रकार मित्रों का भी मैं सहयोग चाहता हूं, क्योंकि आप वो महत्वपूर्ण लोग हैं जो जिले में नीचे तक जानकारियां प्रेषित कर सकते हैं, सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और इस अभियान में भी सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है मित्रों, जब सारे मतभेद भूल के पीड़ित मानवता की सेवा की खातिर हम सबको एक होना पड़ता है, और इसलिए मेरी अपील है कि इस समय कोई मतभेद नहीं, कोई दलगत भेद नहीं, कोई जाति पंथ और धर्म नहीं, मैं पत्रकार हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इसका कोई भेद नहीं, हम सब मिलके कोरोना के संक्रमण को रोकने की लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे विश्वास है आप सबके साथ मिलके हम इस लड़ाई को जीतेंगे। मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि आज हमने कार्यकर्ताओं को साफ इनकार किया, किसी को नहीं आना, भीड़ बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन कई संगठन के मित्र आ रहे हैं अलग अलग, जो अपना समर्थन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सक्रिय रूप से इसमें भाग लेंगे। मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री होने के नाते मैं प्रधान सेवक ही हूं, और इसलिए ये ड्यूटी थी कि एक जन जागरण अभियान भी चले, उसमें आप सबका सहयोग मिले, यही मेरा निवेदन है। आप सबने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।